तो सबसे पहले हम आएंगे गूगल पे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे एमसीडी प्रॉपर्टी टैक्स सर्च होते ही यहाँ पे म्यूनिस्पल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का एक सिटीजन पोर्टल नजर आएगा हमें सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है क्लिक करते ही हम एक ऐसे वेब पेज के ऊपर आ जाएंगे अब जैसे मैं इसको नीचे ले जाके दिखा पा रहा हूँ आपने यहाँ पे क्या करना है मोबाइल नंबर की जगह पे जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है प्रॉपर्टी पे आपने वो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है उसके बाद आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा जो अगले तीन मिनट के लिए वैलिड होगा अब आपने सिंपली क्या करना है उस ओ नंबर को आपने यहाँ पे जहाँ पे लिख रखा है एंटर ओ आपने यहाँ पे उस नंबर को एंटर कर देना है उसके बाद आप नीचे दिख रहे के ऊपर क्लिक कर देंगे यहाँ पे आपको नंबर दिखाएगा जो होता है यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कोड जो आपकी प्रॉपर्टी का एक नंबर जनरेट होता है आपका एड्रेस और आपकी डिटेल्स दिखाएगा आपने उसके बाद एक्शंस पे जाके सिंपली क्या करना है आपको स्मृति स्कीम बीसो बाईस नजर आएगी आपने उस पर क्लिक कर देना है आपके सामने कैसा पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको यूपी नंबर दिखाएगा और नीचे आपको डिटेल शो करेगा कि पिछले छह सालों की आपने जिन जिन बिलों का भुगतान किया है उसकी डिटेल्स यहाँ पे दिखाएगा अगर किसी कारणवश आपकी डिटेल नहीं दिखा रहा और आपने टैक्स भर रखा है तो आपने सिंपली पे क्या करना है अपने डॉक्यूमेंट्स को जो रिसिप्ट आपको अवेलेबल होती हैं टैक्स पे करते टाइम पे आपने उनको यहाँ पे अपलोड करना है तो अपलोड करने के लिए आप देख सकते हैं बीसो सत्रह अठारह पे यहाँ पे नहीं दिखा रहा बीसो अठारह उन्नीस उन्नीस बीस बीस इक्कीस पे यहाँ पे नहीं दिखा रहा तो बीसो स और 2022 में मैंने ऑनलाइन पेमेंट करी थी तो इसलिए यहाँ पे ये रिकॉर्ड दिखा रहा है कि आपकी डिटेल्स हमारे पास हैं आपने यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करी थी और 2022 और 2023 का भी टैक्स मैंने ऑनलाइन ही पे किया था तो इसलिए वो रिकॉर्ड दिखा रहा है अब मैंने सिंपली क्या करना है पिछले चार वर्षो का जो डाटा यहाँ पे नहीं दिखा रहा मैंने उसकी रिसिप्ट को यहाँ पे अपलोड करना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा अगर आप कहीं पे भी वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आप इसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे हमारा काम है आपको इजिली हर चीज समझाना ताकि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत ना आई हमने उसी का प्रयास किया है तो देखिए जैसे हम कैलकुलेट एंड सेव पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा अठारह का तो तो हमने इसमें मकान की सारी डिटेल भरनी है कि कितना हमारा कवर्ड एरिया था और कितनी है। उसके बाद हम नीचे जब आएंगे तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आएगा एड का जैसे की आप यहाँ पे देख सकते हैं अर्लियर पेमेंट डिटेल हमने यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स मतलब जो आपने टैक्स भरा था उसकी रसीद को अपलोड करना है अब ये आपसे पूछेगा कि आपने कितने अमाउंट का टैक्स भरा था रिसिप्ट नंबर रिसिप्ट डेट और आप पे कितना आपने उसके ऊपर रिबेट ली थी वो सब आपने यहाँ पे भरना है तो देखिये मैंने यहाँ पे अमाउंट भर चुका हूँ और जो रसीद नंबर है मैंने वो रसीद नंबर यहाँ पे भर दिया है और किस तारीख को मैंने पेमेंट करी थी वो रसीद के ऊपर लिखी होगी वो डेट मैंने यहाँ पे लिख देनी है ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पे वही डाटा भरेंगे जो रसीद के अंदर मेंशन होगा उसके बाद डेट भरने के बाद मेरे पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगा था कोई पेनल्टी नहीं लगी थी कोई एजुकेशन सस नहीं लगा था उसके बाद यहाँ पे कहता है कि अवेड लमसम इंसेंटिव जी हाँ मेरे को रिबेट मिली थी तो इसलिए मैं यहाँ पे यस कर दूंगा और आप देखिए यहाँ पे

ब्लू वाले सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर जाके क्लिक कर देना है तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ऐसा पेज फिर से ओपन हो जाएगा जो दिखाएगा कि आपने ये डिटेल भरी है हमने यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है और सेव के बाद आपने दोबारा से सेव पे क्लिक कर देना है तो अब आपका यहाँ पे डाटा सेव हो चुका है फिर से हमने यहाँ पे अच्छे से चेक करना है और नीचे आके हमने यहाँ पे करना है सेव एंड कॉन्टिन्यू पे क्लिक सेव एंड कॉन्टिन्यू पे क्लिक करती है आप देखिए यहाँ पे बीसौ और अठारह का हमारा डाटा अपलोड हो चुका है जो हमने डाटा भरा उसके हिसाब से इसने बता दिया कि कोई टैक्स का ड्यू नहीं है

यहाँ पे ओके पे प्रेस करके हमारे सामने आएगा सेम वही स्क्रीन आ जाएगी सेव करना है डाटा चेक करके हमने सेव उसके बाद सेव एंड कॉन्टिन्यू पे क्लिक कर देना है तो ये डाटा देखने के बाद चेक करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेव एंड कॉन्टिन्यू फिर से हमें सेव एंड कॉन्टिन्यू पे क्लिक करना है और हमारा उन्नीस बीस का डाटा भी यहाँ पे अपलोड हो चुका है अब हमने सेम वही प्रोसीजर बीस और इक्कीस के लिए करना है सेम अपनी डिटेल्स चेक करनी है एड पे क्लिक करके हमें जो अमाउंट हमने टैक्स भरा था वो अमाउंट यहाँ दिए। पे हमने फिल कर देना

सेव एंड कैलकुलेट पे क्लिक कर देना है तो उसके बाद अब यहाँ, यहाँ, पे पे तो यहाँ सेव से और सेव कर देना है बीसो तो अठारह तो का, का भी अपलोड हो चुका है इसका भी ड्यू जीरो दिखा रहा है बीसो और बीस का भी बिल हमने अपलोड कर दिया है इसका भी ड्यू जीरो दिखा रहा है और बीसो बीस और बीसो का भी बिल ड्यू जीरो दिखा रहा है अब यहाँ पे दिखा रहा है बीसो और बाईस जिसकी हम पेमेंट कर चुके हैं और यहाँ पे दिखा रहा है ऑलरेडी पेड बट क्योंकि हम इस समृद्धि स्कीम के तहत यहाँ पे पिछले छह साल का डाटा भर रहे हैं तो हमें यहाँ पे बिल तो अपलोड करने की जरूरत नहीं है बट इस प्रोसीजर को हमें यहाँ पे बीसो इक्कीसोसो तेईस के लिए भी फॉलो करना पड़ेगा कैलकुलेट सेव करने के बाद हमने यहाँ पे सारी डिटेल्स को चेक कर लेना है सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है इस बार हम कोई रसीद अपलोड नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी अपलोडेड है उसके बाद हमने सेव एंड कैलकुलेट करके नेक्स्ट करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेव करने के बाद यहाँ पे दिखा देगा कि हमारा 2021 और 2022 का अमाउंट भी ड्यू जीरो दिखा रहा है सेम यही प्रोसीजर हम लास्ट ईयर 2022 2023 के लिए भी करेंगे सारे डाटा को जैसे सेव एंड कैलकुलेट करके हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो जैसे ही हम यहाँ नेक्स्ट करते हैं तो आप ये देख सकते हैं सेव एंड कैलकुलेट करके नेक्स्ट करेंगे हम यहाँ पे तो यहाँ पे फिर से हम इसको सेव करेंगे तो ये दिखाएगा सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद की हमारे पूरे छह सालों का डाटा यहाँ पे अपलोड हो चुका है और नेट टैक्स पेबल दिखा रहा है शून्य मतलब की हमें कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हैं अब

है अब आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अब अगर आप एन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दी है उसमें मैंने थोरली समझाया है कि कैसे आप नॉन ड्यू सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं बड़े ही सरल भाषा में प्रयास किया है इस प्रोसेस को समझाने का आशा करते हैं की आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको कुछ सुझाव देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में सुझाव भी दे सकते हैं और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ भी सकते हैं ट्वेंटी फोर इंटू सेवन वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिएगा अपने प्रिय चैनल वन रूपी मैन पे तब तो आपसे मिलना होगा अगली यूजफुल वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय जै भारत